नमस्कार दोस्तों, देखा जाए आज 12 जनवरी है और ऐसे में आप लोगों को मालूम था कि 12 जनवरी को बैक टू बैक कितने सारे धमाके होने थे, साउथ से लेकर के बॉलीवुड तक और बॉलीवुड से लेकर के ओटीटी तक ना जाने कितने सारे कंटेंट रिलीज हुए हैं और इसी बीच देखा जाए ना जाने कितनी सारी फिल्मों को लेकर के न्यूज़ें भी निकली हैं। लेकिन जो दोस्तों मेरे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण जो मेरे लिए न्यूज़ थी वो थी कल की 2898 की रिलीज डेट और उसका पोस्टर। और देखा जाए दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट तो आपको पता ही चल गई होगी, 9 मई सन 2024। और दोस्तों मुझे ये यकीन नहीं था कि ये जो मूवी है कि इतनी जल्दी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम दोस्तों बात करें तो जनवरी तो आधी निकल गई है, अब फरवरी मार्च अप्रैल यानी मई में मूवी रिलीज हो रही है, इसके पास सिर्फ 3.5 महीने का समय है दोस्तों। और 3.5 महीने बाद देखा जाए दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी मूवी हम लोगों को देखने को मिलने वाली है बड़े पर्दे पर। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के पोस्टर के बारे में, जिसको लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था दोस्तों, इस पोस्टर को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि आ गया है इंडिया का सबसे बड़ा हीरो। क्योंकि देख लीजिए इसमें जो प्रभास की ड्रेस है ना दोस्तों, प्रभास की ड्रेस ही ऐसी लग रही है कि ये बंदा सुपर हीरो लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये भी आप बात समझ लीजिए कि इस पोस्टर को लेकर के ट्रोलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आप हाल ही में ले लीजिए सलार को लेकर के सोशल मीडिया में भाई महायुद्ध छिड़ गया था, महायुद्ध, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हुई थी। तो ऐसे में जो प्रभास के हेटर्स हैं वो ये मौका नहीं छोड़ने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो में आपको मालूम है कि हेटर्स लोगों की कोई जगह नहीं है, और ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें खा जाए आप प्रभास के ऊपर जब नज़र डालेंगे पोस्टर जूम करके तो आपको एक बड़ी सी शिप दिखाई दे रही होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये शिप है कि और कुछ, और ये बात तो हम लोगों को सिनेमा घर में मालूम चलेगी। और वहीं दोस्तों पोस्टर के जब आप नीचे बढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ऐसे में देखा जाए दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि ये जो मूवी है पेन इंडिया के तहत नहीं बल्कि पेन वर्ल्ड के तहत रिलीज हो रही है, यानी कि ये जो मूवी है दोस्तों 35 से 36 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, और ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों। और वहीं दोस्तों इस मूवी को लेकर के, इसकी कहानी को लेकर के मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें इस मूवी की कहानी को लेकर के, ये तो आप लोगों को मालूम है कि इस समय सोशल मीडिया पर जो बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल में खबरें निकली हैं उसके हिसाब से तो यही बताया जा रहा है कि इस मूवी की जो कहानी है हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सनातन धर्म में वेद पुराण है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु कल्कि के रूप में कलयुग में अवतार लेने वाले हैं, और देखा जाए दोस्तों वो कलयुग में अवतार लेके दुष्टों का नाश करेंगे और कलयुग को भी ख़त्म करेंगे। और ऐसे में देखा जाए दोस्तों कहानी तो इस मूवी की ज़बरदस्त होने वाली है, एक्शन से भरपूर होने वाली है, और इसकी स्टार कास्ट तो देखा जाए दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दमदार है, क्योंकि प्रभास पेन इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के मेगा स्टार, जिनका टीजर में देखा जाए हम लोगों ने जब झलक देखी थी तो उससे ही मालूम चल गया था कि इसमें वो कितना खतरनाक रोल निभाने वाले हैं। और ऐसे में बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन दीपिका पादुकोण और साउथ के मेगा स्टार कमल हसन होने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि कमल हसन इस मूवी में मेन विलन का किरदार निभाने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस मूवी का VFX और एनिमेशन। क्योंकि दोस्तों ये तो आप लोगों को मालूम है कि इस मूवी की जो कहानी है
वो हम लोगों को भविष्य दिखाने वाली, यानी कि हजारों साल आगे की कहानी है। ऐसे में जो हजारों साल आगे जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाने वाली है, देखा जाए दोस्तों, उसका रूप हम लोगों को इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। यानी कि इस मूवी में हम लोगों को भविष्य के भी दर्शन देखने को मिलेंगे। भविष्य में किस तरीके से हथियार होंगे, किस तरीके से वेपन होंगे, किस तरीके से इमारतें होंगी, ये भी देखने को मिलेंगी। और दोस्तों इस पोस्टर में सबसे बड़ी चीज मुझे जानते हो क्या लगी? शायद आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, इस पोस्टर में जब मैंने प्रभास के खुले बाल देखे ना, तो मुझे जानते किसकी याद आ गई? बाहुबली की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, जो प्रभास के ये खुले भय बाल हैं, ये बाहुबली की याद दिलाते हैं। और बाहुबली जो मूवी थी, वो देखा जाए, हम राजाओं महाराजाओं के टाइम की कहानी थी, यानी कि इस समय से पीछे की कहानी थी। और कल की जो मूवी है, इस समय से आगे की कहानी है। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नागोसनी, यानी कि आप अभी से समझ लीजिए, कहानी और स्टार कास्ट और एक्टिंग को लेकर के इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर कुछ ऊंच नीच हो सकता है, तो VFX और एनिमेशन को लेकर के हो सकता है। और दोस्तों देखा जाए ना दोस्तों, जो प्रभास के हेटर्स हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों का तो मौका लगाए रहते हैं। वैसे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो आगे से आगे जाना चाहिए, और जो हेटर्स हैं उनकी भी तो जलनी चाहिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।